से खबर आ रही, पंचायत उपचुनाव में भाजपा की जीत। खबर श्रावस्ती से, पंचायत उपचुनाव में भाजपा की जीत। जिला पंचायत सदस्य के रिक्त एक पद पर बीजेपी का कब्जा। श्रावस्ती से खबर, बीजेपी समर्थित उम्मीदवार अवधेश वर्मा निर्विरोध जीते। नाम वापसी के दौरान सभी उम्मीदवारों ने वापस लिए नाम। 8 लोगों ने किया था नामांकन, 7 ने की नाम वापसी। बीजेपी जिला प्रभारी राहुल रसोगी को रणनीतिक से मिली सफलता। बीते वर्ष हुए चुनाव में हार गए थे बीजेपी उम्मीदवार अवधेश वर्मा। चुनाव में दोबारा से बीजेपी ने जताया था भरोसा। श्रावस्ती से खबर, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता श्रावस्ती कृष्णपाल जुड़ गए हैं। कृष्णपाल, पिछली बार भी राहुल चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। जी हाँ, देखिए इस बार उपचुनाव था, पिछले बार भी जो चुनाव पंचायत का हुआ था उसमें चुनाव लड़े थे अवधेश वर्मा, लेकिन चुनाव हार गए थे। इस बार चूंकि एक वार्ड नंबर 8 सीट है जो रिक्त हो गई थी, जो वहाँ के सदस्य थे उनकी मृत्यु होने के बाद, तो उसके बाद दोबारा चुनाव कराया गया था। और इसी चुनाव में जो है अवधेश वर्मा ने भाजपा की तरफ से अपना नामांकन दाखिल किया था, और कल चूंकि नाम वापसी का दिन था तो जो अन्य 8 कैंडिडेट थे उन्होंने अपने नाम वापस ले लिए। इसके बाद अवधेश वर्मा जो है निर्विरोध रूप से जिला पंचायत सदस्य चुन लिए गए हैं। केपी सिंह, ये राहुल रस्तोगी जो जिला प्रभारी हैं, इनका क्या रोल रहा इसमें, जो 7 नाम वापस कराए हैं इन्होंने? बिल्कुल, देखिए भाजपा निश्चित तौर पर जो भी चुनाव लड़ती है वो एक रणनीति के तहत लड़ती है, और राहुल राज रस्तोगी काफी लंबे समय से जिला प्रभारी है श्रावस्ती में, और ये जब से विधानसभा चुनाव के पहले से जिले में जमे हुए हैं। लगातार उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी काफी मेहनत की थी, और उसके बाद से लगातार जिले में कार्यकर्ताओं के साथ घुल मिलकर और लगातार पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि कल जिस तरीके से 8 जो कैंडिडेट थे उनके भाजपा कैंडिडेट के खिलाफ उसको उनके नामांकन को वापस कराने में उनका काफी अहम रोल रहा है। उन्होंने बातचीत करके और जिस तरीके से सेटलमेंट करके भाजपा कैंडिडेट को निर्विरोध निर्वाचित किया है, वो अपने आप में एक बड़ी बात कही जा सकती है। जी, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि भाजपा की झोली में सीट दिलवाने में राहुल रस्तोगी का बड़ा योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता श्रावस्ती से, केपी सिंह बता रहे थे कि किस रणनीति के तहत 7 लोगों के नाम वापस करा करके ये सीट बीजेपी की झोली में डाली गई।